नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सुथार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी रूम में हूं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ले चलेंगे दरियागंज। तो वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक देखते रहिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम मेट्रो पकड़कर चले जाएंगे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मेट्रो चेंज कर हम चले जाएंगे दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। वहाँ से बाहर निकलते ही गाइज, आप जैसा कि देख रहे हैं, हम पहुँच गए हैं दरियागंज। दरियागंज के बारे में किसी लेखक ने खूब कहा है कि दरियागंज पहुंचते ही जहां आपको कबूतर दाना चुगते हुए अगर मिल जाए तो आप समझ लीजिए आप किताबों के साम्राज्य दरियागंज में प्रवेश कर चुके हैं। दरियागंज संडे मार्केट है जो दिल्ली में है, और सिर्फ संडे को ही मार्केट लगता है। यहां पर आपको सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाएगी, ऑल NCERT बुक्स मिल जाएगी, लेटेस्ट नॉवेल्स हो गए, लेटेस्ट कॉम्पिटिशन बुक्स हो गई, बच्चों के लिए बुक्स हो गई, या डायरी हो गई, स्टडी रिलेटेड जो मटेरियल है आपको बहुत वास्तविक जो दर है उससे भी आधी से कम सस्ती दर में जो है आपको मिल जाएगी। तो दरियागंज जो है किताबों और किताबों को चाहने वालों का हमेशा से गढ़ रहा है, और न जाने कितने लेखकों की यात्रा को यहाँ से जन्म मिला और वो आज साहित्य की दुनिया में चमकते सितारे हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों से लेकर शोधार्थियों तक यहाँ पर उनके लिए जो है पुस्तकें उपलब्ध है, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा एक पुस्तक प्रेमी को और क्या चाहिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं और पूछते हैं हमारे पुस्तक प्रेमियों को कि आपको दरियागंज कैसा लग रहा है, आप कब से पढ़ रहे हैं, कब से आ रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। आपका नाम? कल्पना। कहाँ से आप वैसे? ऐसे राजस्थान से, दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं। राजस्थान में कहाँ से? नागौर। तो आप यहाँ पर किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? SSC। तो किताबगंज, मतलब यहाँ दरियागंज में आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके? पहली बार आए हैं, पहली बार। तो वैसे दरियागंज के बारे में आपने पहले कहाँ सुना, यूट्यूब या? नहीं, मेरी फ्रेंड जो है UPSC की तैयारी कर रही है, तो उसने बताया था कि वहाँ से मेरे लिए बुक्स लाना, तो मैं भी यहीं से आई थी, उसको YouTube से पता चला था। तो कैसा लग रहा है दरियागंज? अच्छा लग रहा है, हाफ प्राइस में मिल रहा है सब कुछ। तो आपको जैसे SSC के जो भी बुक्स है वो मिल रही है यहाँ पर? हाँ जी, मिल रही है SSC की, लेकिन मेरे को वैसे SSC की नहीं लेनी थी, ऐसे नॉवेल वगैरह जो लेनी थी वो लेने आई थी। तो वैसे आप इंडियन राइटर को पढ़ती है ज़्यादा वेस्टर्न राइटर को? इंडियन। थैंक यू। हेलो। हेलो, कहाँ से हैं आप भैया? सर मैं दिल्ली से ही हूँ सर। अच्छा, तो कितने समय से आप यहाँ दरियागंज आ रहे हैं? सर मुझे 4-5 साल हो गए हैं इधर आते हुए, तो मैं हर बार महीने में 1-2 टूर इधर लगा ही लेता हूँ। तो आपको यहाँ बुक्स मिल जाती है सारी जो आप मतलब इस लिस्ट लेके आते हैं यहाँ पर? हाँ सर, इजीली इधर आपको जिस तरीके भी बुक्स चाहिए आपको इधर आसानी से, जिस भी टॉपिक पे जो भी राइटर हो, इजीली आपको हाफ प्राइस पे, कंपेरेबल टू मार्केट, यू कैन गेट हियर। तो आपको यहाँ पर हिंदी नॉवेल्स मिल जाते हैं अच्छे से या इंग्लिश नॉवेल, मतलब हिंदी भी मिल जाते हैं काफ़ी मात्रा में अच्छे से? अच्छा, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको हर तरह के नॉवेल्स, बुक्स सब कुछ मिलता है इधर, तो ये कोई इशू नहीं है लैंग्वेज का। डिक्शनरीज भी आपको किसी भी लैंग्वेज की चाहिए, मतलब ये मार्केट ही एक तरह की, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब पूरा जैसे बाजार लगता है तो ऐसा है कि ये कुछ मिल नहीं पाता, सब कुछ मिलता है इधर। तो यहाँ पर बुक्स जो है पूरी रेट में मिलती है या आधी रेट में, क्या आप? नहीं, आपको बुक कभी भी हाफ रेट में तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हो मेरी तरह, तो हाफ रेट से थोड़ा कम भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ठीक है ना। तो प्राइस का भी कोई इशू नहीं है, क्वालिटी भी जैसा क्वालिटी है उसी के हिसाब से प्राइस है,
जैसे आप मार्केट में जाओगे या ऑनलाइन शॉपिंग करोगे अमेजोन फ्लिपकार्ट, तो उसके कंपेरेबल बहुत ही चीप है। धन्यवाद। हेलो। हेलो, आपका नाम? ऋषभ सजान। कहाँ से आप वैसे? इंद्रपुरम से सर। अच्छा, तो दरियागंज पहली बार आए हैं या फिर इससे पहले भी आ चुके हैं? सर पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, तो वैसे आपने दरियागंज के बारे में कहाँ जाना, या किसी मित्र से सुना या फिर? सर यूट्यूब में देखा था मैंने। अच्छा, यूट्यूब में देखा था और दोस्तों भी बताते रहते हैं कि यहाँ पे बुक्स वुक्स मिल जाती हैं। तो आपने अभी तक कोई बुक्स ली या फिर अभी ढूंढ रहे हैं? हाँ सर, मैंने अभी नॉवल्स लेने आया था जनरली, और चार पांच नॉवल ले लिए मैंने। अच्छा, तो आप किन किन राइटर को ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर आपके फेवरेट राइटर? सर मैं वैसे तो इंडियन ऑथर्स पढ़ता था वैसे पहले, जैसे ध्रुव रॉय दत्ता हो गया, मार्क मैनसन हो गया, इन सब के। मैं फिक्शनल कम ही पढ़ता हूँ, मैं नॉन फिक्शनल पढ़ता हूँ, तो राइटर्स की तो फिर वैरायटी बढ़ सकती है, क्योंकि एक राइटर ज़्यादातर नॉन फिक्शनल एक या दो ही किताब लिखता है, तो राइटर्स की तो वैरायटी बढ़ सकती है। तो कैसा लग रहा है आपको दरियागंज? अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, कमिटेड हैं सब पढ़ने के लिए, जनरली कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने आए हैं अपने, उनके लिए बुक्स लेने आए हैं, तो थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। राम राम अंकल जी। राम राम भाई, राम राम। कहाँ से हैं आप? हम, मैं यहीं दिल्ली से हूँ, भजनपुरा में रहता हूँ, और ये दरियागंज में हम 30 सालों से जो है फुटपाथ पर, पहले नेताजी सुभाष मार्ग पर, अब ये महिला हाट में किताबें बेचने का काम करते हैं। तो आप हमें थोड़ा दरियागंज के बारे में बताइए। दरियागंज एक, जैसा सबको पता है, दरियागंज एक हिस्टोरिकल जगह है, दिल्ली की बहुत हिस्टोरिकल जगह है। दरियागंज का नाम दरियागंज इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर पहले जमुना नदी पास में बहती थी, यहाँ से होकर के जाती थी, इसलिए इसका नाम दरियागंज पड़ा हुआ है। और दरियागंज में जो है एक आसफ अली रोड पर किताबों का बहुत बृहद मार्केट है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं किताबें खरीदने के लिए। वहाँ बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड, मैकमिलन और सभी जो बड़ी बड़ी नॉमिनेटेड कंपनियाँ हैं उनकी दुकानें हैं, उनके शोरूम्स हैंगे। और यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष मार्ग पर बहुत बड़े बड़े जो है मॉल्स हैंगे, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, जो वर्ल्ड फेमस दुकानें हैं। नियर बाई दरियागंज के जामा मस्जिद है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और पास में ही दरियागंज के बिल्कुल बगल में ही लाल किला है। दिल्ली दरियागंज में, दरियागंज के पास ही जो है दिल्ली दरवाज़ा है, जो दिल्ली गेट के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ जो है 100 साल पुराना दरियागंज थाना है, जो एक हिस्टोरिकल थाना है, और इस तरह से दरियागंज का अपनी जगह पे एक अलग स्थान है। तो यहाँ पाठक समय समय पर आते हैं या फिर कम मात्रा में आते हैं? नहीं, यहाँ पे तो हमेशा ग्राहक आते ही रहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट होने के कारण आते ही रहते हैं, लेकिन पाठकों का रुझान थोड़ा बदल सा गया है। पहले लोग कलेक्टर आते थे, किताबें लेते थे, कलेक्ट करते थे और लाइब्रेरी बनाते थे, अब वो ऐसा प्रचलन है नहीं, लेकिन ये है कि अब कंपटीशन की किताबें यहाँ पे जो है स्टूडेंटों को मिलती है, तो हर तरह के कंपटीशन की किताबें, आईएएस की, पीसीएस की, सब तरह की किताबें मिलती हैं, और क्लासों की किताबें भी हम लोग बेचते हैं, नर्सरी से लेकर के रिसर्च वर्क तक की किताबें हम लोग यहाँ उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। हेलो, आपका नाम? शिवानी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। तो आप कब से यहाँ पर दरियागंज में जो है? सेकंड विजिट, दूसरी बार आ रही हूँ, और अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। बुक्स आर रियली गुड, फाइन, हर टाइप का ऑथर मिल जाता है, कोई भी बुक मिल जाती है। लॉ में कुछ बुक्स हैं वो नहीं मिलती है, जैसे सालमेंट होता है, ज्यूरिसप्रूडेंस है, तो मैं लॉ बुक्स ढूंढने आई हूँ, क्योंकि वो जनरली ओल्ड बुक्स होती है, मिलती नहीं है जल्दी, तो यहाँ पर मिल जाती हैं, ईजी है, काफ़ी ईजी एक्सेस है बुक्स को, और बहुत रीजनेबल भी है, क्योंकि वही बुक्स अगर आप लेने जाओगे ना, नहीं ढूंढोगे, तो वो कुछ काफ़ी कम मिलती हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव कर देते हैं उसको, तो फिर इजीली मिल जाती हैं, तो अच्छा है एक्सपीरियंस। तो आप दरियागंज हर संडे आती है या फिर कभी कभार? ये सेकंड बार टाइम है, मैं इससे पहले एक बार आई थी पिछले वीक, तो ठीक है, तब मुझे बुक्स नहीं मिली, तब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा रश था, इतनी सारी बुक्स मैंने नीचे ज़मीन पर देखी नहीं थी, तो पहला एक्सपीरियंस है, तो अच्छा है, अब मेरे को समझ आ गया कि बुक्स यहाँ मिल सकती हैं, ईजी है, रीजनेबल है, तो आई केम हियर अगेन। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, अगर दरियागंज के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ? अगर आप आ रहे हो तो जस्ट गेट योर बॉटल और थोड़ा लंच वंच भी ले आना, क्योंकि आसपास कुछ मिलता नहीं है, थोड़ा दूर जाके खाने के लिए। और मैं ये बोलूँगी, अगर आप लेने आ रहे हो तो यहाँ इतना सारा बुक्स का पूरा हब है, तो आपको ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप बुक्स लेने आओगे, तो आप लिस्ट कर लो आप लेना क्या चाहते हो, क्योंकि जब आप आओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप कुछ भी उठा के ले जाओगे, लाइक पीपल आर सेलिंग बुक्स फॉर 20 रुपीज़,
एंड 100 रुपीज़ केजी ऐसा भी है सिस्टम। तो कंफ्यूज मत होना, अपनी बुक्स नोट डाउन करके ले आना, मुझे यही चाहिए सेलेक्टिवली, पहले वो ले लेना और फिर जो तुम्हें मन करे वो ले लेना। तो ये बेसिक एडवाइस है मेरे साइड से, तो बाकी वो उनकी मर्जी, आगे जाएंगे।